पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि मंत्री प्रहलाद जोशी और मदन कौशिक ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और अभी आज ही कांग्रेस ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया था। आपको बता दें कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित हुए थे उपाध्याय। इस वक्त की बड़ी खबर, अब बीजेपी के शामिल हो चुके हैं किशोर उपाध्याय। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसी के साथ में मंत्री प्रहलाद जोशी और मदन कौशिक ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। और इस पर मदन कौशिक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मजबूती की तरफ बढ़ेगी और मजबूती मिलेगी और आप इस विश्वास के साथ कि उन सब नीतियों को नरेंद्र मोदी जी के उस विकास की दृष्टि को आप जनता तक पहुंचाने में सहयोगी होंगे, उन्हें आपका भारतीय जनता पार्टी में आज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अजय जी, अब किशोर जी और मेरी लड़ाई नहीं होगी, पहले हम खुद लड़ते थे। थैंक यू सर, थैंक यू। किशोर दा, आप तो मेरे बहुत लंबे टाइम पड़ोसी रहे हैं, देखो साथी आ रही है। हाँ जी, चलो किशोर भाई बोलिए आप। माइक किस तरफ? और इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मंत्री प्रहलाद जोशी और मदन कौशिक ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई और आज ही किशोर उपाध्याय को कांग्रेस ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था और इसके बाद में अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया और इसी के साथ में उसके बाद अब कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग चुका है क्योंकि अब पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता हरीश खनेड़ा देहरादून से जुड़ चुके हैं। हरीश, आज बीजेपी के लिए तो खुशी की बात है लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि किशोर उपाध्याय जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से हम बात करें किशोर उपाध्याय की, तो किशोर उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से लगातार नाराज चल रहे थे लंबे समय से और उनकी उनकी जो गतिविधियां थी लगातार, जो बीजेपी नेताओं से मिलने की जो चर्चाएं लगातार चल रही थी मीडिया, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से किशोर उपाध्याय लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। पहले मैं आपको किशोर उपाध्याय के इतिहास की अगर बात करूं तो किशोर उपाध्याय वो फाउंडर हैं जिन्होंने यहाँ पे राजीव भवन बनाया था, यानी कि कांग्रेस में जब वो अध्यक्ष थे उन्होंने यहाँ पे इसकी नींव रखी थी और साथ ही साथ उस 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 में उनको जबरन सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया गया जहाँ से किशोर उपाध्याय हार गए थे और उसके बाद वो लगातार पार्टी से नाराज चल रहे थे। उसके बाद की अगर बात की जाए तो किशोर उपाध्याय हाल फिलहाल कुछ दिन पहले भी प्रहलाद जोशी जो चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी की उनसे मुलाकात करने पहुंचे, लगातार जो हैं बीजेपी के अध्यक्ष उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे थे। इसी को लेकर के पार्टी ने उन पर कार्रवाई की और कार्रवाई जो उनके जो पद थे तमाम पदों से उनको निष्कासित किया गया। उसके बाद किशोर उपाध्याय को अब उनके पास कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, उसके बाद वो अब ये चाह रहे थे कि पार्टी उनको जैसे कांग्रेस की जो लिस्ट आई है पार्टी उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करे, लेकिन ये चीजें देखने को नहीं मिली। और जो देर रात को भी अगर हम कल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि किशोर उपाध्याय कल रात तक भी इंतजार कर रहे थे कांग्रेस का कि वो कहीं ना कहीं से किसी सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाए, लेकिन उनको प्रत्याशी ना घूम आखिरकार उनको ये फैसला लेना पड़ा कि वो बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन जिस तरह से आज की अगर बात की जाए तो लगातार अगर हम बात करें तो ये टिहरी विधानसभा क्षेत्र की जहाँ से एक सीट अभी भी बीजेपी ने खाली रखी है, उस सीट पर अपने प्रत्याशी को
नाम उनका सामने नहीं निकाल पाई है और सीट जो टिहरी विधानसभा सीट है उसमें अभी तक जो सिटिंग एमएलए हैं धन सिंह जी उनका नाम तक अभी साफ नहीं कर सकते, लेकिन माना जा रहा है कि किशोर उपाध्याय के लिए टिहरी विधानसभा से टिकट देने की तैयारी बीजेपी कर रही है। इस बात का विरोध बिल्कुल ये बात तो बीजेपी तो तैयारी कर रही है। एक बात ये भी सामने है कि जिस तरीके से जब हरक सिंह रावत कांग्रेस में गए थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थामा है तो ये बीजेपी की उपलब्धि भी है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हम हरक सिंह रावत की बात करें तो हरक सिंह रावत भी कद्दावर नेता हैं। 2017 के इलेक्शन में जब वो भाजपा में शामिल हुए थे तो बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंचा था, लेकिन अभी बात करें वापस उनकी घर वापसी हुई है तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचेगा। लेकिन हरक सिंह रावत और किशोर उपाध्याय की अगर तुलना की जाए दोनों ही दिग्गज नेता है। खासतौर पर हम किशोर उपाध्याय की बात करें तो किशोर उपाध्याय, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा है कि किशोर उपाध्याय फंस रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस को स्टेबल करने में, कांग्रेस को मजबूत करने में, कांग्रेस को खड़ा करने में काफी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान समय के कांग्रेस को पहुंचा है क्योंकि जिस तरह से लगातार उनकी अनदेखी की जा रही थी, उनको लगातार दरकिनार किया जा रहा था, पार्टी ने उन्हें हाथी पे रख दिया था और अपनी राजनीति न खो रहे इसी डर से वो आज भाजपा में शामिल हुए। यहाँ मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है चाहे वो बीजेपी हो या फिर वो कांग्रेस हो। कांग्रेस अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वो अगर भाजपा में शामिल आज हुए हैं उसके बाद अगर उनको टिकट दिया जाता है टिहरी विधानसभा क्षेत्र से, पूजा ये बहुत समझने वाली बात होगी लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान इससे पहुंचेगा क्योंकि वक्त बगावती स्वर जो है धन सिंह नेगी के और उनके समर्थकों के लगातार दिख रहे हैं। ऐसे में नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर वो पैराशूट प्रत्याशी को यहाँ पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे में क्योंकि अपना दबदबा रखने वाले धन सिंह जी सिटिंग एमएलए हैं, अगर उनका टिकट काटा जाता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी नुकसान पहुंचेगा। जी बिल्कुल हरीश, बात ये भी कि जिस तरीके से टिकटों की लड़ाई जो उत्तराखंड में चल रही है क्योंकि कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो कि टिकट ना मिलने की वजह से नाराज हो गए और दूसरी पार्टी का दामन थामा, और इसी तरीके से कई कांग्रेस के नेता भी ऐसे हैं जो कि नाराज होकर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और ताजा बड़े बड़े नाम दो सामने आते हैं वो हरक सिंह रावत और किशोर उपाध्याय का ही है। अब जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस ने हरक सिंह रावत को चुनाव ना लड़वाने का फैसला किया है। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से अगर बात की जाए तो चाहे वो हरक सिंह रावत हों चाहे किशोर उपाध्याय हों दोनों ही बड़े चेहरे उत्तराखंड के माने जाते हैं, दिग्गज माने जाते हैं। किशोर उपाध्याय मैंने पहले भी आपसे बताया है कि वो फाउंडर हैं जिन्होंने यहाँ पे उत्तराखंड में स्टेबल किया था कांग्रेस को, एक मजबूती के साथ खड़ा किया था, लेकिन आज जिस तरह से उनकी अनदेखी की जा रही थी इस बात से नाराज वो लगातार चल रहे थे, उसके बाद उनको आज उन्होंने ये फैसला लिया कि आखिरकार कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जाना पड़ा। बिल्कुल, और हरीश बात भी कि अब तो देखने वाली बात होगी बाद में ही जब चुनाव के नतीजे आएंगे कि आखिरकार इन नेताओं के दल बदल से कौन सी पार्टी को ज्यादा फायदा होता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि मंत्री प्रहलाद जोशी और मदन कौशिक ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज़, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।